फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता की स्थालिका। मैं हूँ ममता और मेरा हमेशा से एक ही एम रहा है कि मैं हर सीजन में आपको सीजन के अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं उनके हिसाब से उनको ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छे हेल्दी रेसिपीज दूं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आंवला, जो कि आंवला आपको पता है हमें अपनी डाइट में किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करना चाहिए। आयुर्वेदा में इसे वरदान माना गया है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, एंटीऑक्सीडेंट है। तो आज शुरू करते हैं आंवला की एक अच्छी सी रेसिपी बनाना, नहीं कहूंगी लेकिन अच्छी सी एक रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मैं बनाऊंगी, देखिए, आंवला की कतली, जैसे काजू कतली होती है, बर्फी कह दीजिए, और ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप खाएंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, अच्छी से कोई कतली खाई है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 150 ग्राम आंवला लिया है और इसको मैंने बॉयल नहीं करा, इसको मैंने नीचे पानी एक बड़े पैन में रखे, इसको मैंने एक प्लेट रख के इसे स्टीम किया है। और ये देखिए अभी स्टीम हुआ नहीं है, मैं इसे फिर से ढक देती हूँ। या तो आप स्टीमर में कर लीजिए या कैसे भी कर लीजिए, इससे क्या है कि इसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो सारे एज इट इज रहेंगे। तो करीब 5 मिनट हो गए मेरे को स्टीम करते हुए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा जूम करके, सारी कलियां बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, बस हमें इतना ही चाहिए। अब ये देखिए, इसके देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कलियां कितने आराम से अलग हो रही हैं। ये हम सारी कलियां इसकी अलग कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्टली अलग हो रही हैं, और ये बीज निकाल देंगे। फ्रेंड्स, आंवला आपको पता है ये बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए। और ये देखिए, अब मैं क्या करूंगी, इसको सारा मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लूंगी। और यदि इसमें पानी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपसे नहीं होता है तो आप इसमें थोड़ा सा शुगर डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। और ये मैंने इतना सा अदरक का पीस लिया है और 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा पिंच कह सकते हैं आप, इसमें सॉल्ट डाल के इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, अभी ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है, तो इसमें मैं जितना मैंने आंवला लिया है उतनी मुझे शुगर लेनी है। मैंने 2 काली मिर्च डाली है इसमें, ब्लैक पेपर, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती हैं। तो इसमें मैं ये देखिए ऐसे स्पून से 2 स्पून ये डाल के शुगर, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, आंवला अच्छे से ग्राइंड हो गया है मेरा, और ये मैंने पैन चढ़ा दिया है। और जितना मैंने आंवला लिया था, जैसे मेरे 150 ग्राम आंवला था, तो मैं 150 ग्राम ही शुगर लूंगी, थोड़ी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और देखिए, इसमें मैंने काली मिर्च और अदरक और सॉल्ट डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पैन में आंवला डाल लिया है, और इतनी जितना मैंने आंवला लिया था उतनी मैं इसमें शुगर भी डाल देती हूँ, और लो से मीडियम, जब तक ये शुगर मेल्ट होती है हम इसको चलाएंगे। आंवला देखिए विंटर में क्या हमें हमेशा अपनी डाइट में किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करना चाहिए। आपने कैंडी खाई है, इतनी सारी चीजें खाई है, मुरब्बा खाया है, तो आज मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ बर्फी बनाने का। तो अब इसे मैं मेल्ट होने के बाद 5-7 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाऊंगी, मीडियम कर देती हूँ गैस, और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे ऐसे। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर में मैंने थोड़ा सा कलर मिलाया बर्फी को अच्छा कलर देने के लिए। आपने आंवला कैंडी खाई होगी, मुरब्बा खाया होगा, अब आप ये बर्फी जरूर बना के देखिएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कलर मिला लिया है, और ये मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस लिया है, ये क्रिस्टलाइजेशन रोकने के लिए, नहीं तो शुगर के क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया, बहुत जरा से मैंने वाटर में डिसॉल्व किया था, और इसको अब मैं फिर से चलाऊंगी। और साथ ही में मैं इसमें ये लेमन जूस भी ऐड कर देती हूँ, और इसको अब हम मीडियम पे चलाएंगे, इससे ये थिक भी हो जाएगा और लेमन डालने से इसमें क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे।
तो करीब 15 मिनट हो गए इसको चलाते चलाते। अब ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लगा है बोल में। अब क्या करना है, इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी डालेंगे। ये देखिए इतना सा मैं देसी घी डाल रही हूँ, ये देखिए उससे अच्छा ग्लेज आ जाएगा। और इसको चलाएंगे और इसी समय पे देखिए मैं ये ऑप्शनल है, ये सूखा बोला है ये इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डालिए वरना आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। इसे और चला लेती हूँ, लगभग ये बनने वाली है। ये देखिए बिल्कुल इकट्ठी होने लगी है, ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल एकदम रेडी हो गई है, ये देखिए एकदम उठने लगी है पैन में से। और यहाँ पे मैंने ये बटर पेपर को देसी घी से ग्रीस करके रख लिया है, तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ इसको। ये देखिए कितने अच्छे से ये उठने लगी है, बस इसी स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गई है, इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला लेते हैं। ये देखिए हमने इसको इसके, आप इसे किसी प्लेट में भी डाल सकते हैं, मैंने इसे ट्रे में जमाया है और जब बहुत अच्छी सी इसकी जमने की कंसिस्टेंसी तैयार हो गई थी, इसमें बोल छोड़ना शुरू कर दिया था पैन। तो अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये जो मेरी आंवला की कतली कह दीजिए, बर्फी कह दीजिए, इसको 4-5 घंटे हो चुके हैं। तो अब इसमें हम नाइफ से कट लगाएंगे, ये देखिए ऐसे करके। अभी ये बहुत सॉफ्ट है फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सॉफ्ट है, इसमें नाइफ से कट कर लिया है। और अब ये मेरे पास सुपर फाइन शुगर है, इसमें हम इसको कोट कर देंगे, उससे देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। ऊपर थोड़ा सा स्वीट स्वीट शुगर आएगा और अंदर खट्टी मीठी है। तो चलिए मैं सारी ऐसी तरह से शुगर में कोट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये इतनी यम्मी सी आंवला की कतली कह दीजिए, बर्फी कह दीजिए, बन के शुगर में कोट कर दिए मैंने अच्छे से। और यदि आपके पास सुपर फाइन शुगर नहीं है, ब्रेकफास्ट शुगर नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप शुगर को ग्राइंडर में डाल के क्रश कर लीजिए, पीस लीजिए और उसमें कोट कर दीजिए, और इसके ऊपर जो क्रंच आएगा ना वो बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप भी ये इस सीजन में आंवला की कतली या बर्फी बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी ये आंवला की कतली कैसी बनी। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।